और सारे जीव जंतु, चाहे वो पशु हो या मनुष्य, सब के सब काम भावना से ग्रसित होकर मेरे वश में हो जाएंगे। मैं कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ढूंढूंगा भैया। उस दुष्ट कामासुर के इन सतरंगी चक्रों की सभी सतह को अवश्य पार करूंगा मैं, और उसे उसके काम विकार के विस्तार करने से रोकने पर विवश कर दूंगा। क्या उपाय है इस सतरंगी सुरक्षा चक्र को भेदने का? विचित्र संगीत के साथ इस रहस्यमय वाष्प के विस्तार का क्या अर्थ हो सकता है भला? इस सितार की धुन मात्र एक साधारण धुन नहीं है, कदाचित यही धुन बाहरी सुरक्षा घेरे का स्रोत भी होगा। यदि हमें इसे रोकना है तो इस धुन को बंद करना ही होगा भैया। किंतु इस सात सतह वाले सुरक्षा चक्र को नष्ट कैसे करें हम? कदाचित इसका उपाय हमारे समक्ष है, क्योंकि मयूर जी तो चक्र के भीतर जाकर भी सुरक्षित रहे। कारण इस सुरक्षा चक्र की सातों सतहों के रंगों और मयूर जी के शरीर के रंगों में इतनी समानता है, क्योंकि मयूर जी इन विकारों को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देते, उन्हें ये बाहर ही रखते हैं। क्या हुआ अनुज, इस प्रकार एकटक क्या देख रहे हो तुम? समस्या का समाधान भैया। कैसा समाधान? ध्यान से देखिए भैया, पांचों इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि इन सातों पर नियंत्रण के एकमात्र प्रतीक हैं मयूर। हाँ अनुज गणेश, मयूर संयम के प्रतीक ही तो है, इसीलिए तो इनमें देवताओं का वास भी माना जाता है। इनके ये सात रंग पंच इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि पर भी नियंत्रण दर्शाते हैं। किंतु इससे हमारी समस्या के समाधान का क्या संबंध है अनुज? भैया, मयूर जी संपन्न है, वही सात रंग इस सुरक्षा चक्र में भी है। अर्थात संयम के प्रतीक मयूर ही इस सतरंगी चक्र को भेदने में हमारे सहायक होंगे, इसलिए मुझे भी अपने एक मयूर को उत्पन्न करना होगा। किंतु क्यों गणेश, जब मेरे मयूर यहाँ उपस्थित हैं, तो तुम्हें अन्य मयूर की क्या आवश्यकता है? भैया, आपका मयूर आपकी संयमता का प्रतीक है, जो आपने उन्हें अपनी इंद्रियों में साध लिया है। ठीक उसी प्रकार मुझे भी एक ऐसा ही मयूर उत्पन्न करना होगा, जो प्रतीक होगा मेरी इंद्रियों में साधी गई मेरी संयमता का। तभी हम कामनाओं के इन सात सतहों को भेद कर इन्हें पार कर सकेंगे भैया। उचित है गणेश। इन सातों में सर्वप्रथम है मन, जिसे भक्ति की शक्ति से संयमित किया जा सकता है। और ये तो आपको भी ज्ञात है भैया कि माता पिता की भक्ति से श्रेष्ठ तो और कुछ भी नहीं होता, इसलिए उनका आह्वान कर
मैं उस प्रथम रंग को प्राप्त करूंगा जो प्रतीक होगा मन पर संयमता का। और दूसरी है बुद्धि, और बुद्धि को ज्ञान की शक्ति से ही संयमित किया जा सकता है। इसलिए भैया, अब मैं माता सरस्वती और ब्रह्मदेव का आवाहन करूंगा, जो मुझे द्वितीय रंग प्रदान करेंगे। हमारा आशीष सदा तुम्हारे साथ है पुत्र गजानन। शेष पांच इंद्रियों में प्रथम है हमारे नेत्र, जिन्हें ध्यान शक्ति से संयमित किया जा सकता है। फिर कर्ण, जिन्हें अंतर ध्वनि की शक्ति से, जीवा जाप शक्ति से, नासिका आत्म शक्ति से, और त्वचा को तपो शक्ति से संयम में रखना संभव होता है। अद्भुत है पुत्र गणेश की बुद्धि। अपनी चतुराई के द्वारा ही गणेश ने सात रंगों को प्राप्त कर लिया है स्वामी, जो प्रत्येक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और अब इन्हीं से गणेश अपने स्वयं का वाहन भी उत्पन्न करने वाले हैं, जो उन्हें कामासुर पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ये किसका विचित्र और अप्रिय स्वर है? कहीं कोई यहां आकर मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? मेरे समक्ष ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए काम के प्रभाव से कोई सुरक्षित नहीं रह सकेगा। अब हमें भीतर प्रवेश करना चाहिए भैया, चलिए। ये वाष्प तो गणेश की ओर ही अग्रसर है। गणेश सावधान! इतनी विकट समस्या का भी इतना उचित समाधान प्रस्तुत किया है विकट अवतार गणेश ने। कदाचित उसे ज्ञात होना चाहिए कि विकट गणेश के पावन अवतार पर कामासुर के सभी विकार प्रभावहीन ही सिद्ध हुए। Yeah.
मेरे वाद्य यंत्र का तार कैसे खंडित हो गया? किंतु अभी अन्य तार तो शेष है, इन्हीं से अपना प्रबल प्रभाव उत्पन्न करूंगा मैं। कैसे संभव है? मेरा वाद्य यंत्र किसके प्रभाव से खंडित हो रहा है? यहां तक पहुंचने में सफल हो गए। गणेश जी! नहीं मूर्ख कामासुर, मात्र गणेश जी नहीं, विकट गणेश जी। हरता हो या विकट गणेश जी, आपके किसी भी रूप से भयभीत नहीं हूं मैं। गणेश जी, आप यहां तक तो पहुंच गए, किंतु इसके आगे एक पग भी नहीं बढ़ा सकेंगे आप। ये मार्ग तो विकट गणेश के लिए भी अत्यधिक विकट है। कामासुर, अपने विकार पर नियंत्रण रखो। तुम्हें पिताश्री शिव शंकर शंभू ने एक पिता की भांति यही समझाया था, किंतु तुम नहीं सुधरे। तो अब मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ,
त्याग दो अपने कुटिलता भरे प्रयोजन को और धर्म के पथ का पालन करो। गणेश जी, पहचानिए मुझे, कामासुर हूं मैं और मेरे अस्तित्व का मात्र एक ही प्रयोजन है इस समस्त सृष्टि में, काम के विकार का विस्तार। और शीघ्र अतिशीघ्र अपने इस विकार के विस्तार में पूर्ण सफलता प्राप्त होने वाली है मुझे। देखिए गणेश जी, देखिए किस प्रकार इस कामासुर की बाष्प इस समस्त पृथ्वी पर छाकर उसे प्रभावित करने वाली है। गणेश जी, अब देखिएगा किस प्रकार कामासुर के पांच महाबाण स्वयं आप में ही परिवर्तन ले आएंगे। ब्रह्मांड में कोई भी आपकी रक्षा नहीं कर सकेगा गणेश जी। ये हैं मेरे नकारात्मक कामनाओं के पांच महाबाण। ये है उन्माद बाण, संभल बाण, तापन बाण, शोषण बाण, सम्मोहन बाण। ये वो मायावी बाण हैं जिनके प्रभाव से देवता भी मुक्त नहीं हो सकते। अब ना स्वयं आप और ना ही कोई अन्य आपकी रक्षा कर सकेगा। अनुज, यदि तुम इसी प्रकार निष्क्रिय रहे तो मुझे ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा तुम्हारे इस युद्ध में। अनुज, गणेश! कैसे संभव? रुक जाइए भैया, इन बाणों को नष्ट करना असंभव है, इनका तो बस सामना ही किया जा सकता है। तैयार हो जाइए गणेश जी, अगले पांच क्षणों में ही मेरे ये दुष्कामना के पांच महाबाण आप पर घातक प्रहार कर स्वयं आपके भीतर विकारों को जागृत करेंगे और तब विकार ग्रस्त होने के कारण आप गणेश जी स्वयं इस कामासुर के शत्रु नहीं अपितु मित्र होंगे।
इन अंधकारी बाणों का सामना कैसे करेंगे विकट गणेश? गणेश! पुत्र। कठिन नहीं, असंभव होगा। संभव, असंभव है ये। तो मेरे उन बाणों का प्रभाव क्यों नहीं हुआ इन पर? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूं कामासुर, क्योंकि गणेश स्वयं परम ब्रह्म है, इसीलिए उन पर किसी भी प्रकार के विकार का कोई भी प्रभाव कैसे संभव है? ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। और उसके अतिरिक्त गणेश का बाल सुलभ स्वभाव, जो अत्यंत सरल भावनाओं से संपन्न है, निष्कपट एवं निर्मल हृदय बालक, अंधकारी कामनाओं एवं विकारों से सदा मुक्त रहते हैं, इसीलिए जो जीव अपने जीवन काल में बालकों के समान निश्चल रहते हैं, वो सदैव दुष्कामनाओं एवं विकारों से सुरक्षित रहते हैं। किंतु अब ऐसा कदापि संभव नहीं, क्योंकि इस कामासुर के विकार समस्त पृथ्वी पर फैलकर वहां के सभी जीवों को प्रभावित करेंगे, फिर चाहे वो बालक हो या वृद्ध ऋषि, देव हो या दानव, सब के सब दुष्कामनाओं से ग्रसित हो जाएंगे। और जब अपने तप के उपरांत हमारे महानायक भंडासुर जी सर्वत्र अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे, तब वे मेरी इसी सफलता से प्रभावित होकर मुझे ही अपना सेनापति नियुक्त कर लेंगे। ना भंडासुर की इच्छा पूर्ण होगी और ना ही तुम्हारी कामासुर। अपार आत्मविश्वास का भला क्या कारण हो सकता है? महादेव को इनके तप से प्रसन्न कर इन तीनों असुरों ने उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त अवश्य कर लिया। मैं अजय हूँ, अजय। आप मुझे पराजित नहीं कर सकते गणेश जी। हम भूल रहे हैं भैया, लोभासुर की भांति कि पिताश्री से अजय रहने का वरदान तो इसे भी प्राप्त है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? पुनः प्रयास कीजिए, आपके सभी अस्त्रों के उत्तर हैं मेरे पास। किंतु मेरे कामास्त्र को रोकने का उपाय नहीं है आपके पास। भैया, सृष्टि इसके काम वाष्प से तभी मुक्त होगी जब ये कामासुर स्वयं उस विकार से मुक्त होगा। किंतु गणेश, जिस विकार से इसका जन्म हुआ है, उसी विकार से इसे कैसे मुक्त करें हम? कदाचित उसका उपाय भी है मेरे पास भैया। क्या हुआ, युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही सारे अस्त्र समाप्त हो गए?
या कामासुर से युद्ध करने का साहस नहीं रहा आपने? भैया, जब तक मैं इसके विकार को नष्ट करने के उपाय के साथ नहीं लौटता, हमें इसे यहीं उलझा कर रखना होगा। अद्भुत है गणेश की लीला। स्वामी, ये गणेश ने दो रूप क्यों धारण कर लिए और ऐसा कर वो क्या करना चाहता है और दूसरा गणेश कहाँ है? मैं यही हूँ मामी जी। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। पुत्र गणेश, ये कैसी लीला है तुम्हारी? तुम अपने एक स्वरूप में वहाँ कामासुर से युद्ध कर रहे हो और दूसरे स्वरूप में यहाँ उपस्थित हो। क्या तुम्हें पूर्णता से वहाँ उपस्थित रहकर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर उस कामासुर को पराजित करने का उपाय नहीं ढूंढना चाहिए? मुझे इस कामासुर को अपने बंधन में बांधकर नहीं रख सकेंगे आप गणेश जी। तिनक तिन धा, आपका कोई भी अस्त्र शस्त्र इस कामासुर को इतनी सी भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये तो आपको भी ज्ञात होगा मामा जी कि पिताश्री से अजय होने के वरदान के कारण कामासुर को युद्ध में पराजित नहीं किया जा सकता, किंतु उसके कामरूपी विकार अर्थात उसकी शक्ति को अवश्य पराजित किया जा सकता है। उसके लिए ही मैं सहायता प्राप्त करने यहाँ मामा जी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। किंतु पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? प्रभु कृपा कर आप मुझे अपने मोहिनी रूप के दर्शन प्रदान कीजिए। मामा जी, आप मेरा निवेदन सुनकर इतने चकित और स्तब्ध क्यों हो गए? मुझ पर इतनी कृपा कीजिए मामा जी, अपने मोहिनी रूप के दर्शन दीजिए मुझे। इस समय तो पुत्र गणेश का समस्त ध्यान पृथ्वी पर छाए कामासुर के कामारूपी कीट को नष्ट करने पर होना चाहिए, किंतु ये तो वैकुंठ पहुंचकर नारायण के मोहिनी रूप के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अधिक समय नहीं है हमारे पास, इस कामासुर के विकारों के अंत का उपाय शीघ्र करना होगा हमें। प्रभु, कामासुर के कामरूपी विकार ने सृष्टि को अपने भीतर समाहित करना आरंभ कर दिया है। शीघ्र सभी जीवों पर उसका कुप्रभाव होगा, ऐसा होने से रोकने में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मुझे मोहिनी रूप में अपने दर्शन प्रदान कीजिए। नहीं पुत्र गणेश, पूर्व में जब मैंने मोहिनी रूप धारण किया था तब कामासुर उत्पन्न हुआ था। मुझे चिंता है कहीं। मेरा विश्वास कीजिए मामा जी, आपकी चिंता का कोई कारण नहीं, किंतु अब इस महासंकट को रोकने हेतु मेरे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए मुझ पर ये कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए मामा जी।
उनके जिस स्वरूप से स्वयं महादेव भी मोहित हो गए थे, उस रूप के समक्ष गणेश जी कैसे स्थित रह पाएंगे? प्रणाम माता। माता, आप तो मेरी माता माँ पार्वती के समान अत्यंत सौंदर्य संपन्न और ममतामयी हैं। पुत्र गणेश, तुम्हारे उदाहरण से संसार को एक बड़ी सीख लेनी चाहिए। पर स्त्री को माता समान सम्मान देना ही सर्वथा उचित और धर्म के अनुरूप है। तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ गणेश। कहो, तुम्हें अपनी इस माता से क्या सहायता चाहिए? माता, काम विकार के साथ कामासुर के जन्म के पीछे आपका ही ये स्वरूप था, इसलिए अब उसके विकार का अंत भी आप ही कर सकती हैं माता। अनिच्छा से मैं उस विकार के जन्म का कारण बनी और अब वो कामासुर में परिवर्तित हो चुका है, और अब मैं वो उपाय प्रस्तुत करूंगी जो काम के विकार को नष्ट भी करेगा। गणेश जी, जब आप और हम एक दूसरे को पराजित कर ही नहीं सकते, तो क्या अर्थ है इस अंतहीन युद्ध करने का? जिस प्रकार कामासुर का काम विकार इस अधिकांश पृथ्वी को निगल गया है, ठीक उसी प्रकार क्यों ना मैं भी आपको निगल जाऊं। मयूर संयम के प्रतीक हैं, तो ये चंपा पुष्प पवित्रता के, इन्हीं पवित्र पुष्पों के स्पर्श से कामासुर का विकार नष्ट होगा। हाँ माता। सुर, अब तुम्हारे साथ संपूर्ण सृष्टि से काम विकार के मिटने का समय आ गया है। मेरा विकार तुम दोनों के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, तुमने कहा था ना, उचित है। किंतु मैं तुम दोनों को अपना आहार बनाकर तुम्हें अपने भीतर समाहित तो कर सकता हूं ना। अंततः गणेश इसके काम को पराजित करने का उपाय ढूंढ ही लाया है। कर लीजिए आपकी लीला गणेश जी, किंतु अब आपकी किसी भी लीला का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि अब पृथ्वी एक ऐसी विकट अवस्था में पहुंच चुकी है
जहां से स्वयं विकट गणेश जी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। गणेश जी, मेरे ये दो खड़क खड़क फेंक देंगे आपके पार। महादेव से अजय होने का वरदान प्राप्त है इस कामासुर को। फिर भी मुझे पूर्ण आशा है कि दिव्य पुष्प के बाण का इस पर कोई चमत्कारी प्रभाव होगा। सृष्टि पर धन की रक्षा करने हेतु इस दुष्ट कामासुर और उसके विनाशकारी काम विकार पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। गणेश जी, आपका ये बाण मुझे स्पर्श भी करे उससे पूर्व ही खंडित कर दूंगा मैं उसे। कामासुर, इस दिव्य बाण को कदापि नहीं रोक सकोगे तुम। आपका कोई अस्त्र शस्त्र मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकता गणेश जी। शक्ति को पुनः एकत्रित करके भी इस बंधन को खंडित क्यों नहीं कर पा रहा मैं? कामासुर को उसकी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने पर विवश कर विकट गणेश ने सृष्टि को उसके अनिष्कारी प्रभाव से मुक्त कर दिया है। संसार काम विकार से मुक्त हुआ, अर्थात सृष्टि पर छाया संकट टल गया। इस बाण के प्रभाव से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा हूं मैं? जो अपने विकारों को बढ़ावा देते हैं, समय आने पर वही विकार उनके नियंत्रण से बाहर होकर उन्हीं को क्षति पहुंचाते हैं। जैसे इस समय कामासुर अन्य किसी से नहीं अपितु स्वयं के विकारों से ही क्षतिग्रस्त हो रहे हो तुम। ये तो अनर्थ हो रहा है। अपना नियंत्रण खो दिया है कामासुर जी ने, अपनी ही भवन को क्षति पहुंचा रहे हैं। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ। मुक्त होने के मेरे सभी प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं? ये बंधन तो और बढ़ता जा रहा। अपार कष्ट हो रहा है मुझे। बहुत दुष्कर्म किए हैं इस कामासुर ने। आपकी काम इंद्रियां नष्ट हो जाए।
आपके शरीर में सहस्त्रों छिद्र उत्पन्न हो जाए देवराज। जो अपने विकारों के प्रभाव से अन्य सभी की अच्छाइयों को नष्ट करता था, उनके तप और भक्ति को नष्ट करता था, आज उसके ही विकार उसका ही विनाश कर रहे हैं। इसके विकार और प्रभु महादेव द्वारा प्रदान किए गए वरदान के कारण इसकी और भी अधिक दुर्दशा हो रही है। पिताश्री के वरदान के कारण ना तो ये किसी से पराजित हो सकता है और ना ही इस असहनीय कष्ट को भोगते हुए ये जीवित रह सकता है। इसके लिए इससे अधिक विकट स्थिति संभव ही नहीं। माता मोहिनी। प्रणाम माता मोहिनी। कामासुर, जीवन और मृत्यु के मध्य जिस विकट स्थिति में तुम पहुंच गए हो, उससे एकमात्र विकट गणेश ही तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस असहनीय कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो विकट गणेश जी के शरणागत बन उनके मंत्र ओम विकटाय नमः का जाप करो। सुमुक्षैकदन्तक्ष कपिलगजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नमानि यः पठे श्रूयात्। ओम विकटाय नमः के जाप का इतना अद्भुत प्रभाव है जिसने ऐसे दुष्ट को भी उसके विकार से मुक्त कर उसे एक सामान्य जीवन प्रदान किया। संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विकट गणेश जी, आपने मुझे एक कामासुर से तो बाहर कर दिया, किंतु मैं सहस्त्र कामासुर बनकर हमारे महान असुर भंडासुर जी का सहायक बनूंगा और उनके लिए अति उपयोगी सिद्ध होऊंगा मैं। एवं तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भंडासुर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और उनके लिए अति उपयोगी सिद्ध होऊंगा मैं। विकट गणेश। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा मैं। ऐसा ही होगा गणेश जी। छोड़ो मुझे, मुक्त करो। अब तुम नहीं, संसार मुक्त होगा तुमसे।
कामासुर। मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा महादेव पुत्र गणेश। बधाई हो विकट गणेश। प्रभु श्री हरि नारायण, कामासुर के विकार को नष्ट करने में मोहिनी रूप में मेरी सहायता करने हेतु मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। हे विकट गणेश, आज आपने समस्त संसार को विकट से विकट परिस्थिति से मुक्त होने का मार्ग दिखाया है, इसलिए आज समस्त संसार आपका आभारी है। जिस प्रकार आपके मंत्र जाप से कामासुर ने विकट विकार से मुक्ति प्राप्त, उसी प्रकार समस्त संसार जब भी किसी विकट परिस्थिति में होगा वो आपके मंत्र ओम विकटाय नमः का जाप कर उस परिस्थिति से मुक्त होने में सक्षम होगा। और साथ ही ये भी स्मरण रखेगा कि उसका एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए वो सदैव प्रेरित रहेगा। इस कामासुर को काम के विकार से मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब उचित दिशा दिखाकर मेरा भी मार्गदर्शन करें प्रभु। कामासुर, तुम तो अभी भी मनुष्य के मन मस्तिष्क को प्रभावित करने में सक्षम हो, इसीलिए अब अपनी क्षमता का उचित प्रयोग करो। संसार के जीवों में भक्ति और धर्म का विस्तार करो, जिससे वो जीवन की विकट परिस्थितियों से संघर्ष कर सके और सदैव सत्कर्मों के लिए प्रेरित रहे। जो आज्ञा प्रभु। अनुज गणेश, अब लोभासुर और कामासुर के अंधकारी विकार तो नष्ट हो गए, इसलिए अब ममतासुर का उपाय करने का भी समय आ ही गया है। भैया, सर्वप्रथम हमें जाकर ये समाचार पिताश्री को देना चाहिए। वो ये ज्ञात कर अत्यंत प्रसन्न होंगे कि जिस कामासुर में वो सुधार लाना चाहते थे वो अब सुपथ पर अग्रसर है। भैया, अनुज गणेश, पिताश्री तो त्रिकालदर्शी, उनसे भला क्या छिपा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम्हें कैलाश क्यों जाना है, ज्ञात है मुझे। अब तो तुम वास्तविकता में भूख से ग्रस्त हो, है ना, और माँ के हाथ का पकाया भोजन करने के भी इच्छुक हो। भैया, देखिए प्रभु, अब तक अपने विकट रूप में जो संसार को विकट संकट से मुक्त कर रहा था, वही पुत्र गणेश अब सदैव के समान बाल सुलभ व्यवहार कर रहा है। ऐसा बालक प्रभु
जो क्रीड़ा करते करते जब थक जाता है तो भूख लगने पर भोजन हेतु अपने माँ के निकट जाने को ही तत्पर होता है। अनुज गणेश, तुम तो यहाँ पिताश्री को सूचित करने के लिए लौटे थे ना? किंतु पिताश्री का स्थान तो वहाँ है, वहाँ नहीं जहाँ तुम जा रहे हो। किंतु भैया, अभी आप ही ने तो कहा था कि पिताश्री तो त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ ज्ञात है, तो कदाचित यही उचित होगा कि सर्वप्रथम हम जाकर कुछ भोजन ही कर ले। उचित है, चलो आओ हम साथ ही सर्वप्रथम माता के निकट चलते हैं। जी भैया। माते 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 माते, मुझे अपना आशीर्वाद दो माते, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखो माते, माते माते माते। ममता सुर यहाँ, ममता सुर यहाँ।